ब्रिटेन, पोलैंड, रूस की बढ़ती आक्रामकता के बीच यूक्रेन को सैन्य सहायता की आपूर्ति रखेंगे जारी। यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग में 22 देश हथियारों से मदद कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। बुधवार देर रात पोलैंड यूक्रेन की मदद को आगे आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका के जरिए पोलैंड यूक्रेन की मदद करेगा। वहीं विमान देने के पोलैंड के प्रस्ताव पर अमेरिका ने हैरत दिखाई है। यूक्रेन को सुरक्षा सहायता पर पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन एफ किर्बी ने कहा कि हम अब पोलैंड सरकार के संपर्क में हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को पोलिश प्रधानमंत्री मार्टुज मोरावियेकी के साथ मुलाकात की और सहमति व्यक्त की कि यूके और पोलैंड को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए कि रक्षात्मक सहायता यूक्रेन तक पहुंचती रहे। जॉनसन ने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो ब्रिटेन पोलैंड को सैन्य सहायता का विस्तार करने के लिए तैयार है। जॉनसन ने पोलैंड के साथ यूनाइटेड किंगडम की सहानुभूति भी व्यक्त की। इस तरह के हताश समय के दौरान यूक्रेन के लोगों के लिए पोलैंड की उदारता के लिए प्रधानमंत्री मोरावियेकी को धन्यवाद दिया गया। आगे यूक्रेनियन की पीड़ा के लिए राष्ट्रपति पुतिन को दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पुतिन के बर्बर कार्यों के कारण यूक्रेन के लोग पीड़ित हैं और पश्चिम को दुर्बल करने वाले प्रतिबंधों को जारी रखने की आवश्यकता है।